पर सीतापुर से है जहां निजी चिकित्सालय ने कोलकाता में हुए चिकित्सक कांड के विरोध में हड़ताल करते हुए 4 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपे। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनियर एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष डॉक्टर ओपी पांडे के नेतृत्व में निजी चिकित्सकों ने तहसीलदार मुकेश शर्मा को उपजिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोलकाता कांड के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुनवाई किए जाने, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों को विरोध संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने, चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को अत्याचार से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने व देश में कहीं भी कार्य करने वाले चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाने की मांग की। चिकित्सकों ने आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर शनिवार व रविवार की सुबह तक हड़ताल का भी ऐलान किया। इस दौरान डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, कासिम अहमद तारिक, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर खालिद सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इसके नेतृत्व में चिकित्सकों ने विरोध स्वरूप बाहों में काली पट्टी बांधकर स्वास्थ्य सेवाएं देते समय मौन प्रदर्शन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता आसिफ मुसीर के साथ, सहयोगी संवाददाता सुनील आनंद के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज एजेंसी। पूरे देश में डॉक्टरों के साथ हुई घटना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद की। सीतापुर जनपद के तहसील सिधौली में डॉक्टरों ने जब जोरदार प्रदर्शन किया, आप एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। कलकत्ता में हुई घटना है जिसमें किसी डॉक्टर का की हत्या हो गई है, अभी ड्यूटी पे उपस्थित डॉक्टर की हत्या हो गई है। तो हमें ये है कि जो भी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी बिना सोचे समझे इस तरीके के हरकतें करते हैं, तो थोड़ा सा उनके मन में कानून का भय आए और वो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हो इन सब इशूज़ को लेकर कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अगर कार्य कर रहा है तो आपकी सेवा करने के लिए कर रहा है और आपके भले के लिए कर रहा है। और आप आए हैं तो अगर आपसे कोई कोई भी शिकायत है तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू और कानून के थ्रू आके उसको सॉल्व करें, ना कि इस तरीके की कानून को हाथ में लेने वाली घटना होगी। अत्यंत अशोभनीय है और हम लोग से बहुत ही रुष्ट हैं। तो हम लोग सभी सिधौली के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी यूनियन है और हमारे जो काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब आज आकर हमने SDM साहब के थ्रू DM साहब के नाम पर एक ज्ञापन दिया है जिससे कि हमारा विरोध आगे जाए और सरकार इसमें उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। सिधौली में आपने किस तरीके से विरोध किया? सिधौली में आज हमने अपनी OPD सेवाएं जो थी पूरी निलंबित रहीं और उसमें केवल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो पुराने पोस्टेड ऑपरेशन से वही किए गए और बाकी इसके अलावा आज पूरे तौर पर OPD सेवाएँ बिल्कुल निरस्त हैं। शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से ही है कि कुछ ऐसा इसमें एक एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए जिससे कि लोगों में आगे किसी भी तरीके का काम करने से पहले एक कानून का भय उनके मन में हो कि दोबारा ऐसा ना करें। और कि मतलब ये जिससे कि हमारा भी एक वर्क एक एटमॉस्फेयर इम्प्रूव हो और हमें थोड़ा सा काम करने में सहूलियत हो। बस सरकार से यही कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको उपयुक्त सजा दी जाए। थोड़ा सा